हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल बाइकर पर। मेरा नाम है गौरव और आज शुरू करते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें इस फोटो की तरह। ये फोटो एक्चुअली सनसेट पॉइंट है, चिड़िया टापू, पोर्ट ब्लेयर, निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सॉरी। एंड आज का जो टॉपिक है वो है, निसान ने कल एक नई गाड़ी अनवील की है, एक कॉम्पैक्ट SUV, उसका नाम है किक्स। ये पहले से इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, ब्राज़ीलियन मार्केट में ऑलरेडी ये रनिंग में है, बट इंडियन मार्केट में इसको कल अनवील किया है। अच्छी चीज़ ये है कि इसको जो इंडियन वर्जन है इंटरनेशनल वर्जन से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब थोड़ा सा बड़ा मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कैबिन मिलेगा। और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो वही है जिस पर तीन ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं, निसान और रेनो की। रेनो और निसान एक्चुअली एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर दो बैच इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सो रेनो डस्टर, रेनो कैप्चर और निसान टरानो जिस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी वर्किंग में है उसी प्लेटफॉर्म पर ये नई गाड़ी निसान किक्स आने वाली है। तो ये जो निसान किक्स है ये कंपटीशन में आएगी विटारा ब्रेजा से लेकर हुंडई क्रेटा तक, तो वहाँ तक की रेंज के बीच में कहीं आएगी और उसके बाद देखते हैं कैसी गाड़ी आती है और कैसा इसका परफॉर्मेंस होता है, सक्सेसफुल होती है या नहीं। बाकी निसान वालों ने ऐसा कहा है कि ये लोग इंडिया में बहुत अच्छा हैविली इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मुझको डाउट है बिकॉज बहुत कई सालों से इन्होंने इंडिया में कुछ अच्छा किया नहीं है। मुझे तो एक बार ऐसा भी डाउट हुआ था ये शायद पैकअप करके चले जाएंगे, बट इन्होंने नया प्रोडक्ट लेकर आए इंडिया में, तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है कितना नहीं, टाइम बताएगा। सो इसके बाद नई बात हुंडई सेंट्रो अब धीरे धीरे एडवर्टीजमेंट्स में आने लगी है, तो देखते हैं कितना अच्छा इसका परफॉर्मेंस रहता है, क्या ये अपने पुराने बेंचमार्क तक पहुंच पाती है या नहीं। बाकी जो लोग नई छोटी हैचबैक सोच रहे हैं लेने की, हुंडई सेंट्रो के लिए वेट कर सकते हैं, ज़्यादा दिन वेट नहीं करना। 23 अक्टूबर को ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, इसकी प्राइसिंग अनवील हो जाएगी है। और इसके इंजन का कुछ आइडिया आया है कि पेट्रोल और CNG वेरियंट्स में आएगी। जो पेट्रोल इंजन होगा वो 999 cc और 1086 cc वाले वेरिएंट्स में आएगी। जो CNG वाला होगा वो केवल 999 cc वाला होगा और इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है, खास पता नहीं चला है एक्चुअली, अभी तक कुछ कह नहीं सकते हैं। दिखने में ये ग्रैंड i10 और जो ओल्ड i10 मॉडल था उसका एक मिक्सचर है, बाकी सेंट्रो पुरानी वाली जैसा इसमें कुछ नहीं है, केवल नाम कैरी फॉरवर्ड किया है, बाकी और कुछ भी सेम नहीं है। सब कुछ बदला आएगा, बाकी सब देखते हैं कैसा आता है। इसके अलावा बाइक मार्केट में कुछ नया अभी ऐसा खास नहीं आया है, छोटा मोटा स्टिकर वर्क आता रहता है, कुछ में कुछ नया नहीं है। और जो बड़ी जो सेडान मार्केट है उसके लिए मुझसे एक दो लोगों ने पूछा था कि जो एंट्री लेवल बड़ा जो सेडान मार्केट है जैसे उसमें चार कार हैं, टोयोटा यारिस, हुंडई वरना, होंडा सिटी और मारुति सियाज, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आपको करता हूँ। जो टोयोटा यारिस है ये एक्चुअली एक सिटी सेडान है, सिटी सेडान इन द सेंस कि ये इसके एक तो इसका रीज़न ये है कि इसमें कोई डीजल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है, एक मैनुअल पेट्रोल है, एक ऑटोमेटिक पेट्रोल है, और इसका जो पावर फिगर्स हैं वो इतने खास नहीं है जिसको देखकर आप इसको मतलब एक्साइट हो जाएं कि यार वाह व्हाट अ कार। कंफर्टेबल है, बाकी सब ठीक है, बट थोड़े से पावर फिगर्स लो हैं तो आपको सिटी में ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। और टोयोटा की जो बैज है वो एक ट्रस्ट कैरी करता है अपने साथ में, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी गाड़ी होगी ये। और इसके बाद जो शॉफर ड्रिवन कार्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा आजकल जो फेवरेट है वो है मारुति सियाज। मारुति सियाज फेवरेट क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी लेग रूम के साथ आती है रियर बेंच के लिए, डिसेंट परफॉर्मेंस है इसका पेट्रोल में भी और डीजल में भी, डीजल मोटर स्मूथ है, बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं है बट बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है। बेस्ट हाईवे कार अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ होंडा सिटी। अगर इसका डीजल वेरिएंट बात करते हैं तो पावर भी अच्छा है इसका, फ्यूल एफिशिएंसी भी कमाल का है, और होंडा कार्स हैं तो हमको एक ट्रस्ट वाली फील आती ही है, फिर ऊपर से इसकी लुकिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत कार है। जो मोस्ट थ्रिलिंग मशीन है इन चारों में से दैट इज़ हुंडई वरना, मोस्ट पावरफुल कार है, बेस्ट उसका इंटीरियर है और मेरी नज़र में वो सबसे खूबसूरत कार भी है, सबसे ज़्यादा फीचर्स लोडेड कार भी यही है। और इसके अलावा ऐसा कुछ अलग नहीं है इन चार कार्स में से जो भी आपकी नीड हो उस नीड के हिसाब से आप इन चारों में से कार पिक कर सकते हैं।
हाँ एक चीज और कि अगर आपको इस बड़े बूट स्पेस की जरूरत नहीं हो तो मेरी नज़र में एक सेडान लेना समझदारी वाली चीज़ नहीं है, बिकॉज आपको वो लंबी कार होने की वजह से, लंबी कार मतलब 4 मीटर से लंबी जो भी कार होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो अगर आपको उस बूट की ज़रूरत नहीं हो तो आप लंबी कार नहीं लें, छोटी कार लें तो आपको शायद रजिस्ट्रेशन में पैसा बच जाएगा, कार भी सस्ती आएगी। और कैबिन स्पेस के मामले में अगर बात करते हैं तो आजकल जो प्रीमियम हैचबैक कार्स हैं वो भी अच्छे खासे कैबिन स्पेस के साथ आती हैं, उनमें से भी आप कोई गाड़ी पिक कर सकते हैं। तो यही था आज के लिए। वैसे मैंने एक नया फ़ोन लिया है, iPhone 10, दिखाता हूँ ये। सॉरी ये मेरा नहीं था, ऐसे ही टशन मार रहा था लेकिन टशन फ्लॉप हो जाते हैं। एनीवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग नई कार लेने वाले हैं क्या पता उनके काम का वीडियो हो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं इस चैनल पर बहुत कुछ नया एंटरटेनिंग लाने वाला हूँ आप सबके लिए। और इसके साथ साथ धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, मौज करिए, छोटी सी जिंदगी है, जो करना है कीजिए, बस खुश रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।